सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सो रिसेंटली मैं गया था कोलकाता के गैलप स्ट्रीट के पेट मार्केट में। और हाँ दोस्तों, ये पेट मार्केट कम बर्ड मार्केट ज्यादा लगता है क्योंकि इस मार्केट में हजारों के तादाद में बर्ड्स ही है। सिर्फ प्राइसिंग की बात करें तो ग्रीन रोजी लबर्ड यहाँ से 700 से 800 रुपए में पेयर मिलता है, और दूसरी ओर अगर आप लुटिनो रोजी की बात करें तो लुटिनो रोजी 900 से 1000 रुपए में आपको पेयर मिल जाएगा। लेकिन ये जो मैंने प्राइसिंग बताया, ये आपको एक पेयर बर्ड लेने में शायद नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 3-4 पेयर लेना ही होगा। और दूसरी ओर अगर हम बजीज बर्ड की बात करें तो 300 से 400 रुपए में आपको इजीली पेयर मिल जाएगा, और लुटिनो कॉकटेल का स्टार्टिंग प्राइस तो 1400 से 1500 रुपए में इजीली मिल जाता है। जैसे कि आप इस लुटिनो कॉकटेल के पेयर को तो देख ही सकते हैं, इसका क्वालिटी जस्ट वाव था यार। यहाँ पे आप लोगों को कॉकटेल के बहुत सारे वैरायटी मिलेगी, जैसा कि एल्बिनो कॉकटेल, व्हाइट फेस कॉकटेल, पैचलेस कॉकटेल, पाइल कॉकटेल और भी बहुत सारे। और हर बर्ड में उसका म्यूटेशन के हिसाब से उसका प्राइस भी रहता है। जैसा कि कॉकटेल में जो सबसे ज्यादा प्राइसिंग का मुझे दिखा था वो एल्बिनो कॉकटेल था, और अगर ब्लैक कॉकटेल की बात करें तो उसका प्राइस लगभग 1200 से 1300 रुपए था। और यहाँ पे आप लोगों को वैरायटी ऑफ कनेयर भी मिलेंगे, जैसे कि ग्रीन चिक कनेयर का स्टार्टिंग प्राइस है यहाँ पे 2000 रुपए, और सन कनेयर का यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस है 10000 रुपए। लेकिन और एक बात, यहाँ पे मैंने बहुत सारे बर्ड्स को इन्फेक्टेड देखा है। यहाँ से बर्ड बाय करने से पहले आपको अच्छे से बर्ड को चेक कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे बर्ड बीमार भी रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आपके बर्ड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है तो आप लोग यहाँ से क्वालिटीफुल बर्ड्स भी बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे बर्ड्स के अलावा तो क्यूट क्यूट से डॉग भी मिलते हैं। 10 से 15 हजार के बीच में मैंने बहुत सारे क्यूट क्यूट से पपीज देखे यहाँ पे। इस बर्ड मार्केट में आप लोगों को कबूतर भी मिल जाएंगे, उसका भी एक अलग सेक्शन है। इस मार्केट में मैंने किंग कबूतर और जैकोबिन कबूतर के तो बहुत सारे वैरायटी देखे। यहाँ से आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में क्वालिटीफुल सिड मिक्स भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिश के लिए भी एक अलग सेक्शन है, जहाँ पे मैंने गया नहीं था कि फिश के ऊपर मेरा तो 1% भी नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे जाके मैं क्या ही करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।